हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की और गेहूं के आटे की बहुत ही खस्ता क्रिस्पी कचौड़ी की रेसिपी। और इसे आप किसी भी अवसर पर, त्योहार पर बनाकर खाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कचौड़ी होती है ये। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 आलू, हमने छीलकर पानी में डाल दिया है इस वजह से कि ये काला ना पड़े। और यहाँ पर 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, 1 कटोरी सूजी और ये ढेर सारी हरी धनिया, 1 चम्मच ये हींग ली है और 1 चम्मच ही हमने अजवाइन ली है। और यहाँ पर लिया है 1 चम्मच हमने ये सौंफ और आधा चम्मच कलौंजी। और लिया है 500 ग्राम आटा, ये गेहूं का आटा है। पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये वाला ग्रेटर लिया है यानी कद्दूकस। अब इन आलुओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से सारे हम कद्दूकस कर लेंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को पहले हम इसमें मिक्स कर देंगे। हींग, बेसन, सूजी और यहाँ सौंफ, कलौंजी, अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चटपटा सा, ये चटपटी सी कचौड़ियाँ बनती हैं। यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच करीब ऑयल। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो काफ़ी खस्ता बनेंगी और खस्ता ये अच्छी नहीं लगती हैं ज़्यादा। चलिए इनको हम सभी को मिक्स कर लेते हैं। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, हरी धनिया। और हरी धनिया के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए बहुत अच्छी खस्ता कचौड़ी बनती है। ऐसे आप सफ़र में ले जाइए, घर में खाइए, जैसे भी आप नाश्ते के रूप में खाइए, बहुत अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार होती हैं। और ये हम नाश्ते के लिए बना रहे हैं। नाश्ते में काफ़ी हम लोग हो जाते हैं, नीचे की हैं देवरानी जिठानी, उनके बच्चे, काफ़ी लोग हो जाते हैं, तो सभी के लिए हम नाश्ते में बना लेते हैं कुछ ना कुछ। सभी लोग आ जाते हैं तो उनको भी खिलाना पड़ता है और खिलाना ही चाहिए। चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हम पानी नहीं डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है और ना ही ज़्यादा गीला, पूरी जैसी बनानी है हमको ये इसका डो। यहाँ देखिए हमने टाइट सा डो बना लिया है इसका। इसको हम रख देंगे साइड में थोड़ी देर के लिए, करीब 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। और ये जो हमने इस तरह से आटा मारा है, लगाया है, तो सूजी के कारण ये थोड़ा सा और फूलेगा भी। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा लेकर हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। आप अपने हिसाब से इसकी लोइयाँ तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इतनी इतनी बड़ी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। और इसको ऐसे रोल कर लेंगे। ये बेसन की वजह से हल्का सा इस ये चिपकेगा भी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी ये कचौड़ियाँ। चलिए सारी हम बना लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसकी पूड़ियाँ बेल लेते हैं।
छोटी छोटी सी ही पूड़ियां बेलनी है। और ज्यादा पतली नहीं बेलनी है, इसको हल्की सी थिक रखनी है, क्योंकि आलू पड़ी है बहुत ही टेस्टी कचौड़ियां बनती हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से थिकनेस रखनी है हमको। चलिए ये देखिए कितनी अच्छी सी, और छोटी छोटी सी बेलनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है। चलिए बेल लेते हैं। और यहाँ देखिए कचौड़ियों को हमने बेल लिया है, चलिए इनको हम फ्राई करते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। और जब एक कचौड़ी थोड़ी सी ऊपर आने लगे तब हम दूसरी कचौड़ी डालेंगे। ये देखिए अब हम दूसरी कचौड़ी डाल देंगे। और बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सी बनती हैं ये कचौड़ियाँ, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और यहाँ देखिए कितनी फूली फूली सी कचौड़ियाँ बन रही हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप कभी टूर पे जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, तो आप ये नाश्ता बनाकर ले जा सकते हैं। कचौड़ियों का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है ये। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी कचौड़ियाँ फूली फूली सी बन रही हैं। चलिए सभी को हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए सभी कचौड़ियों को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ही करारी और खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं, देख सकते हैं आप। और बहुत ही यम्मी यम्मी, सभी को बहुत पसंद आएंगी, आती भी हैं हमारे यहाँ, सभी लोग बहुत खाते हैं ये कचौड़ियाँ। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी यम्मी यम्मी कचौड़ियाँ बनी हैं, एक हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ही टेस्टी, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा। और इसको आप खट्टी मीठी चटनी और सब्जी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, अचार के साथ, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है। अगर ये हमारी रेसिपी क्रिस्पी कचौड़ी की, आलू की, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।